हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं रोज की तरह टिप और ट्रिप के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। अगर इसमें से कोई सी भी टिप और ट्रिप आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला है टिप इस तरीके से हमारे ग्लास को लेके है और इस तरीके से कप को लेके है। तो दोस्तों, होता है कि जब हम कभी रूम वगैरह शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि जो कप है और ग्लास के बर्तन है, हम इसको कैसे रखें। तो देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि जो कप है, सबसे पहले आपको एक कप इस तरीके से रखना है, ध्यान से देखिएगा। और जो दूसरा कप है, इसका जो हैंडल है, इसको मुझे इसमें पूरा अटैच करते हुए, कवर करते हुए रख लेना है। तो देखिए, अब इसको आप कहीं भी इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेगा और बिल्कुल भी जो आपका कप है, बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। तो देखिए, इसको आप चाहे तो और बड़ा भी इसका शेप बना सकते हैं। तो मैंने 4 का शेप बनाया हुआ है। अब बहुत इजीली तरीके से आप इसको कवर करके और इसमें एक रबड़ या इसको बांध के इस तरीके से ले जा सकते हैं। बहुत ही ईजी और आसान तरीका है दोस्तों। इस ट्रिक को आप एक बार आजमाएंगे ना, तो इसको बार बार आजमाएंगे। आप अगर रेंट पर रह रहे हैं, इस तरीके से अगर रूम वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। और रही बात ग्लास का, तो अगर आपके पास इस तरीके से टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर को इसके ऊपर कवर कर लीजिए, नहीं तो फोम वगैरह है तो फोम को भी लगा सकते हैं। और नहीं तो सबसे पहली बात, अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो देखिए, इस तरीके से कवर करेंगे हम, कितना टिश्यू पेपर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लग जाएगा, या फिर किसी के पास टिश्यू पेपर ना हो। तो देखिए, मुझे क्या करना है, तो देखिए मुझे इस तरीके से पेपर ले लेना है, जैसे कि मैंने कप को कवर किया है, बस इस तरीके से आपको पेपर ले लेना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मैंने एक ग्लास रख दिया है और दूसरा इस तरीके से रख लेंगे, फिर तीसरा वहाँ पे रख लेंगे, चौथा इसी तरीके से इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका एक भी बर्तन नहीं ख़राब होने वाला है। और कहीं भी आप चेंज कीजिएगा, रूम वगैरह कहीं भी चेंज करेंगे, अब आप देखेंगे इसको आप कहीं भी उठा के इस तरीके से सेफ रख देंगे, बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। आइडिया पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है टिप दोस्तों, गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी का ये जो टेम्परेचर है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। होता क्या है, गर्मियों में किसी किसी को बहुत ज़्यादा हिचकपन हो जाता है और हाथों में जलनपन हो जाता है। ज़्यादातर तो जो घर के बुजुर्ग वगैरह रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण का काम है, उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाता है। तो इस तरीके से जब समस्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा नमक ले लेना है और थोड़ा सा इस तरीके से पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद आप इस तरीके से 1 से 2 मिनट अपने हाथों पर अच्छी तरीके से इसको रफ़ कर लेना है। रफ़ करेंगे तो देखेंगे आपकी जितनी भी ये हाथों पैरों से समस्या इसकी जुड़ी हुई है, जैसे कि एलर्जी टाइप में खुजली होता है, उसके लिए बिल्कुल ही रामबाण का काम है। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला है टिप देख लेते हैं। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से किचन टावल को लेके है। तो हम क्या सोचते हैं दोस्तों कि किचन टावल हम इसको कैसे हैंग करें। अगर छोटा किचन टावल है तो हम सभी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए, मैं इसके लिए एक वी का शेप दी हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। वी का शेप देने के बाद कोई भी ख़राब कड़ाई ले लेना है, जो भी आप कड़ा अच्छा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से डालने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे, एक मैंने सेफ्टी पिन लिया है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ तो ये जा नहीं रहा है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है कि आपको ले लेना है चाय छन्नी, स्टील का लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना है, स्टील का लेना है चाय छन्नी। इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको रफ कर लेना है। तो चलिए, अब रफ करने के बाद इसको हम एक बार ट्राई करते हैं कि ये बिल्कुल मेरा काम होता है कि नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का किचन टिप्स है। इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने पहले ही रखा था, इसी तरीके से इसको रख के और इसमें मैं इसका ये शेप दे के और इसमें मैं सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने छन्नी के ऊपर इसको रफ किया है, तो ये बहुत इजीली तरीके से इसके अंदर ये सेफ्टी पिन चला गया है, क्योंकि पहले मुझे इसका किनारे मुड़ा हुआ लगा था तो ये जल्दी से जा नहीं रहा था। तो अब ये बहुत इजीली तरीके से इसके अंदर अटैच भी हो चुका है और सेफ भी हो चुका है। तो चलिए, मैं इसको हैंग भी करके दिखाती हूँ। अब इस तरीके से आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सही लगे। तो मैं अपने किचन में ही हैंग कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आप इसको हैंग कर देंगे तो आपका स्पेस, जगह जो भी है, बिल्कुल भी ये कम खींचने वाला है और टाइम भी नहीं लगने वाला है। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जब भी हम मशीन में कभी कपड़ा धोते हैं,
तो आपने देखा होगा कि जब भी हम मशीन में कपड़ा धोते हैं तो हमारा ये जो कपड़ा है कि क्लीन होता नहीं है। तो देखिए मैं इसमें क्या करने वाली, इसमें 1 से 2 चम्मच मैं बेकिंग सोडा डालने वाली हूँ। बेकिंग सोडा डालने से, मैंने पहले ही डाला था, आपको दिखा रही हूँ फिलहाल, तो पहले डालने से क्या होता है कि जितना भी आपके कपड़े में गंदापन और जिद्दी दाग रहता है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है और क्लीन भी हो जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम मशीन में कपड़े धोते हैं तो सबसे पहले मुझे कपड़े को सीधा करके इसमें डालना है। सीधा करके डालने से जो आप कपड़े की गंदगी है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो अगला है टिप दोस्तों, महीने का जब हम राशन ले आते हैं तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, महीने का राशन ले आके रख देते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा महीने का राशन आ चुका है, लेकिन क्या है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और देखते भी नहीं हैं। जब ध्यान नहीं देते हैं तो दुर्घटना हो जाता है इस तरीके से। लेकिन दुर्घटना हम क्यों होने दें इस तरीके से, तो देखिए हमें टिश्यू पेपर ले लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर मुझे 1 चम्मच नमक डाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, वही नमक जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं खाने में, वही नमक ले लेना है। और नमक डालने के बाद मैं इसमें 2 से 3 लौंग डाल लेती हूँ। लौंग और नमक का टेम्परेचर इसका काफ़ी जो है अंदर अंदर जो इसका वायरस है, अब आप देख पा रहे हैं जो दाल है इसमें 2 से 3 मैंने लौंग डाल लिया है। और लौंग डालने के बाद इसका अंदर से जो भीनी भीनी खुशबू, इसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह लगते हैं ना, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इसमें मैंने एक रबर लगा दिया है। रबर लगाने के बाद अब इसमें मैं डाल देती हूँ राशन में। राशन में डालने के बाद अब मैं बताती हूँ कि देखिए इसको अब हम कवर कर देंगे। इसकी जो खुशबू है भीनी भीनी, ये सारे में दाल में अच्छी तरीके से फैल जाएगी। और दोस्तों ये जो नमक है ना, ये नमक का डालना बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल रामबाण का काम करता है। किसी भी चीज़ में अगर आपका दाल राशन ख़राब हो रहा है, नमक जरूर डाल के रखिए। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से हमारे शहद को लेके, तो दोस्तों जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में शहद ले भी लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हम शहद को ज़्यादा लंबे समय तक के रखते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें रखे रखे एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो हमारा शहद ख़राब ना हो और इसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल ना आए, तो इसके लिए करना क्या है, इसमें देखिए 2 से 3 लौंग डाल दीजिए। इससे डालने से क्या होगा कि ये आपका जो शहद होगा बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगा और आपका ये जो शहद है काफ़ी लंबे समय तक के चलेगा। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जो एम्ब्रॉयडरी साड़ी आपके पास होती है, मैं सूट पे ही करके दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए इस तरीके की जो कढ़ाई वाली साड़ी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जब हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे साड़ी पे कोई चीज़ गिर जाता है, तो गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस तरीके से ब्रश से साफ़ कर दें तो हमारा ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने सोचा है कि इस तरीके से जब हम ब्रश से साफ़ करते हैं तो जितना भी हमारी चिकन की कढ़ाई वगैरह होती है साड़ी पे, एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, मैं ये जो ब्रश मोजे में पहना रही हूँ तो इस तरीके से पहनाने के बाद मुझे करना क्या है, बस इस तरीके से ब्रश को मुझे पहना लेना है और पहनाने के बाद बस इस तरीके से आपको रफ़ कर लेना है। रफ़ करेंगे तो आप देखेंगे जितना भी आपके साड़ी पे गंदापन गिरा हुआ है, जो भी गिरा हुआ है, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये जो दाग है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। टिप और एंड ट्रिप अगर कोई सा पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।